students, this is the last topics in the chapter metals and non-metals. Okay, that is displacement reaction. Okay, in previous class we had discussed about chemical properties of metals and non-metals. Okay, so let's see the topic displacement reaction. Okay, displacement reaction is a process in which a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. Okay, more reactive elements क्या होगा? तो देखिए जैसे मैंने कि सीरीज बनाया है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये देखिए मोर रिएक्टिव टॉप पे है और लेस रिएक्टिव बिल्कुल बॉटम पे है. ठीक है, सोडियम इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स. ओके, सोडियम के बाद कैल्सियम, कैल्सियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस मींस आयरन, आयरन के बाद लीड, लीड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मर्करी, मर्करी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड. ओके, दिस इज द सीरीज ऑफ मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव ऑफ एलिमेंट. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, क्या लिखोगे आप लोग? इट इज द प्रोसेस इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देयर इज एन एक्टिविटी टू शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज ओके, टेक 5 बीकर ऑफ 100 मिली. ओके, 100 मिली का 5 बीकर ले लें, उसके बाद क्या करें उसमें 50 मिली जो है वाटर डाल दें. ओके, पुट 50 मिली ऑफ वाटर इन ईच बीकर, देन आफ्टर दैट पुट अ टीस्पून ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. क्या क्या सॉल्यूशन लेंगे? तो पहले बीकर में हम लोग ले लेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और जिंक. ओके, कॉपर सल्फेट यानी कि ये साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, और जिंक ले लेंगे पहले बीकर में, उसमें हम लोग उसको मिक्स डाल देंगे वाटर में. सेकेंड बीकर के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और आयरन नेल देंगे, यानी कि आयरन का पेस्ट लेंगे. ठीक है, थर्ड में लेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर, फोर्थ में लेंगे आयरन सल्फेट और कॉपर, और फिफ्थ में लेंगे जिंक सल्फेट और आयरन. अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में इसको इस एक्टिविटी यानी कि इन सारे बीकर्स में इतने सारे एलिमेंट्स लेने के बाद, ओके, इतने सारे एलिमेंट्स लेने के बाद हम कुछ देर तक इसे छोड़ देंगे. ओके, तो कुछ देर तक छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी वो देखिए, जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, वो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा अपने सल्फेट सॉल्यूशन से. तो जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है. देखिए जिंक मैंने यहाँ पे लिखा है और कॉपर बिल्कुल नीचे है. ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा. ठीक है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव. ओके, नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन मेल है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन मेल में क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो आयरन को क्या होगा, आयरन भी आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग करके आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. थर्ड देखते हैं, थर्ड बीकर में हमने क्या किया था, जिंक सल्फेट और कॉपर लिया था. ओके, तो जिंक सल्फेट और कॉपर, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक सल्फेट क्या है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से. ठीक है, तो इसमें जो भी रिएक्शन हुआ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड, देखिए ZnSO4 plus Cu यानी कि nil, यानी कि कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगा. ओके, ये जस्ट का तस रहेगा. ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक के सल्फेट सॉल्यूशन को. ठीक है, नेक्स्ट है डी, डी आयरन और कॉपर का है, तो आयरन सल्फेट और कॉपर का है, तो इसमें भी क्या है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. ठीक है, तो कॉपर जो है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसका भी रिएक्शन सेम टू सेम होगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी इस बीकर में भी. नेक्स्ट है ई में, ई में जिंक सल्फेट और हमने आयरन लिया है, तो जिंक सल्फेट और आयरन में क्या है, ये देखिए हम लोग देखते हैं जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी. ठीक है, रीजन क्या है कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. ओके, दैट्स व्हाई नो चेंज अकर्स. ओके, इसीलिए
हम लोग सिर्फ इस दो में ही चेंजिंग देखेंगे, बाकी इस तीनों में चेंजिंग नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि द गिवन एलिमेंट्स इन द लास्ट थ्री बीकर इज लेस रिएक्टिव देन इट सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सो नो चेंजिंग अकर्स इन द लास्ट थ्री बीकर। ओके, तो हम लोग को देखे फर्स्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ओके, यानी कि ZnSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक क्या किया है, कॉपर को अलग कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी कि आयरन। तो क्या हुआ, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या बना देगा वो FeSO4 और Cu, यानी कि कॉपर को अलग कर देगा आयरन सल्फेट को अलग कर देगा। आयरन सल्फेट जो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। और नेक्स्ट आप देखोगे जैसे ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट है FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि कॉपर जो है आयरन से भी लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है आपको जिंक SO4 ZnSO4 प्लस Fe यानी कि आयरन जो है वो भी जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आप लोग टेक्स्ट बुक में एक बार ध्यान से केयरफुली पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आप क्या इस एक्टिविटीज के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बाय एक्टिविटी, ओके, तो आप लोग क्या लिखोगे, टेक 5 बीकर्स ऑफ 100 मिली, पुट 50 मिली ऑफ वाटर इन ईच बीकर्स, आफ्टर दैट पुट सॉल्यूशन ऑफ पुट द गिवन सॉल्यूशन इन कॉपर है लाइक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, इन बीकर बी पुट कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, इन बीकर सी पुट जिंक सल्फेट एंड कॉपर, इन बीकर डी पुट आयरन सल्फेट एंड कॉपर, इन बीकर ई पुट जिंक सल्फेट एंड आयरन। ओके, आफ्टर सम टाइम ओके ऑब्जर्व वी विल ऑब्जर्व the most reactive elements displaces the less reactive elements from its salt solution and the reaction will occurs by the following, uske baad ye reaction aap log likh doge। theek hai, to ye aapka displacement reaction ho gaya। displacement reaction main ek baar fir se bol deta hu, it is a process in which the more reactive elements displaces the less reactive elements from its